So student, today we are going to take corporate governance from unit 1 in the chapter corporate governance. We are going to cover the following topics. These are meaning, nature, scope, objective, need, issues, code of corporate governance, code of corporate practice and corporate governance, and the role of board of directors, BOD, that is. So first of all, we are having what corporate governance is. According to ICAI hame kya bolta hai corporate governance ke liye. Corporate governance ke liye ICAI bolta hai, corporate governance is the application of best management practice. Corporate governance is the application of best management practice, compliance of law in letter and spirit, and adhere kehte hain usko follow karna, to ethical standard for effective management and distribution of wealth and discharge of social responsibility for sustainable development of all shareholders. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है. कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस है, जो किस तरीके से कंप्लाई करा जाता है, किस तरीके से फॉलो करा जाता है, लॉ के द्वारा फॉलो करा जाता है. एंड स्प्रिट एडहर टू इथिकल स्टैंडर्ड, जो इथिकल स्टैंडर्ड है उनको फॉलो करते हैं काय के लिए, फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, और वेल्थ यानी प्रॉफिट का हिस्से को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, खर्च कर सकें, एंड डिस्चार्ज ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी काय के लिए खर्च कर सकें, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए भी, जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सारे स्टेक होल्डर्स का. वर्ड यहाँ पे इन्होंने यूज करा है स्टेक होल्डर्स, कि स्टेक होल्डर्स का जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो. स्टेक होल्डर्स जो है वो तुम लोगों को मालूम है कि स्टेक होल्डर्स जो कि कंपनी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े होते हैं, जिसमें कंज्यूमर और गवर्नमेंट भी आ जाती है. फॉर एग्जांपल कि हमने जो था वो कोई एक पार्क को डेवलप कर दिया, या कस्टमर अवेयरनेस के प्रोग्राम चला दिए, या फिर हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या करता है, कॉर्पोरेट सेक्टर, जैसे कि अभी SBI ने करा था कि SBI ने सारे प्राइमरी स्कूल्स के अंदर जो था वो साफ पानी के लिए वाटर फिल्टर वगैरह लगवाए थे. तो ये कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो फॉलो साथ ही साथ अपने जो डिस्चार्ज ऑफ एक्टिविटीज होती हैं, ड्यूटीज होती हैं, उनके साथ साथ उनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी फॉलो करना पड़ती है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको जो है वो सामने आती हैं. तो कॉर्पोरेट सेक्टर उसमें कभी कभी क्या होता है, किसी विलेज को जो है वो ले लेते हैं, उस विलेज का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट को जो है वो उनकी जिम्मेदारी बना लेते हैं, कि हम विलेज की जो है वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स का नेटवर्क है, या एजुकेशन सिस्टम है, इसकी जिम्मेदारी जो है वो अपने पास ले लेते हैं. तो ऐसे ही एक ही छोटी सी डेफिनेशन है जो कि जो है वो जे वोल्फेंसन जो है वो दे रहा है. इसमें बता रहा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अबाउट प्रमोटिंग कॉर्पोरेट फेयरनेस. काय के लिए है, प्रमोट करने के लिए कॉर्पोरेट का फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी जो है वो आपकी क्या है, उसको जो है वो आप ध्यान में रखें कि हमारी अकाउंटेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही नहीं है, हमारी अकाउंटेबिलिटी जो है वो सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए भी है, हमारी अकाउंटेबिलिटी जो है अवेयरनेस के लिए भी है, हमारी अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी के लिए भी है. ट्रांसपेरेंसी मतलब कि कोई चीज़ जो है वो धोखे वाली नहीं हो, सब चीज़ पारदर्शी हो, कि जो भी अगर देखना चाहे, समझना चाहे, तो उन लोगों को वो सारी चीज़ें जो है वो देख सकते हैं और समझ सकें. ऐसा नहीं है कोई चीज़ धोखे वाली दिखे, पारदर्शिता हो उसके अंदर, फेयरनेस हो. फेयरनेस बता रहे हैं कि उसमें फेयरनेस हो, मतलब कोई भी चीज़ जो है वो गलत ना हो, उचित हो, मुनासिब. और बता रहे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए SEBI बताता है. SEBI यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हमें बताता है कि क्या है. यहाँ पे हमें SEBI बता रहा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द एक्सेप्टेंस बाय मैनेजमेंट. कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कौन जो है एक्सेप्ट कर रहा है, मैनेजमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, ऑफ द इनएवेबल राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स एज द ट्रू ओनर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन एंड ऑफ देयर ओन रोल एज ट्रस्टीज ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर्स.
इट इज अबाउट कमिटमेंट टू वैल्यू, अबाउट एथिकल बिजनेस कंडक्ट एंड अबाउट मेकिंग अ डिस्टिंक्शन बिटवीन पर्सनल एंड कॉर्पोरेट फंड्स इन द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। तो यहाँ पे इस डेफिनेशन में जो कि सेबी की डेफिनेशन है, यहाँ पे जो है वो बता रहा है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज एक्सेप्टेंस बाय मैनेजमेंट। कौन करेगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस? कॉर्पोरेट गवर्नेंस को जो है वो मैनेजमेंट ही करेगा, मैनेजमेंट का ही जो है वो कंडक्ट करना है एक्टिविटीज को। काहे के लिए? ऑफ एब्सोल्यूट राइट। इसका इनएविबल का मीनिंग जो है वो एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट राइट्स ऑफ शेयर होल्डर, जिससे कि जो राइट्स हैं शेयर होल्डर्स को, जो कि ट्रू ओनर है ऑर्गेनाइजेशन के, शेयर होल्डर्स ही जो है वो ट्रू ओनर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के या कंपनी के, तो उनके राइट्स को जो है वो का ध्यान रखा जाए, उनके राइट्स जो है डायल्यूट नहीं हो या उनके राइट्स का जो था वो गलत इस्तेमाल ना हो। एंड ऑफ देयर ओन रोल एज ट्रस्टीज, और उनका रोल एज अ ट्रस्टी हो ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स के बिहाफ पर। इट इज अबाउट कमिटमेंट। ये कमिटमेंट है, क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस? कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो कमिटमेंट है कि आप क्या वायदा कर रहे हैं, टू वैल्यूज, वैल्यूज मतलब एथिकल वैल्यूज, अबाउट एथिकल बिजनेस कंडक्ट, एथिकल बिजनेस कंडक्ट हो, बिजनेस कंडक्ट आप जो कर रहे हैं एथिकल करें, यानी कोई ऐसा प्रोडक्ट ना बनाए कि उनको कोई मर्जी नहीं हो कि भाई कुछ भी हमने बना करके रख दिया, अब कस्टमर उसको जो है वो फायदा हो या नुकसान हो या उसको दिक्कत आए परेशानी है, वो सारी चीज़ें कस्टमर की, तो ऐसा नहीं हो, अनएथिकल जो है वो एक्टिविटीज शामिल नहीं हो। एंड अबाउट मेकिंग डिस्टिंक्शन, और साथ ही साथ डिस्टिंक्शन भी करें, डिस्टिंक्शन यानी डिफरेंस भी रखें, काय का डिफरेंस रखें, बिटवीन पर्सनल एंड कॉर्पोरेट फंड्स, पर्सनल फंड्स को कॉर्पोरेट फंड्स के साथ ना मिलाए, कॉर्पोरेट फंड्स को पर्सनल फंड्स के साथ ना मिलाए मैनेजमेंट के कंपनी में। ये सेबी बोल रहा है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है। इसके बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मैं ले रहा हूँ नेचर। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नेचर के अंदर अगर हम देखें तो बता रहे हैं सबसे पहले डिसिप्लिन। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नेचर फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में कह रहा है ऑल इन्वॉल्व पार्टीज के अंदर हमने देख लिया सारे के सारे स्टेक होल्डर्स को इन्होंने जो था वो माना हुआ है, चाहे वो एम्प्लॉयज ही क्यों नहीं हो, कस्टमर ही क्यों नहीं हो, गवर्नमेंट क्यों नहीं हो या शेयर होल्डर क्यों नहीं हो, सारे इन्वॉल्व पार्टीज इसमें जो है वो मानी जाती है। ऑल इन्वॉल्व पार्टीज विल हैव ए कमिटमेंट। वो सब क्या करते हैं? कमिटमेंट करते हैं टू एडहर। एडहर मैंने मीनिंग बताया फॉलो करने को, टू एडहर टू द प्रोसीजर। काय से एडहर करें? काय को फॉलो करें? प्रोसीजर को फॉलो करें, प्रोसेस को फॉलो करें, एंड अथॉरिटी स्ट्रक्चर्स एस्टैब्लिश बाय द ऑर्गेनाइजेशन। और जो अथॉरिटी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश करें उनको, तो ये एक डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन के फॉर्म में जो है वो चलाएं इसको, डिसिप्लिन के फॉर्म में जो है रखें, एक जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, जो अथॉरिटी स्ट्रक्चर्स है उन्हीं को एडहर करें, एडहर मीन्स फॉलो करें। दूसरी इसमें डेफिनेशन के अंदर बात आई थी ट्रांसपेरेंसी की, ट्रांसपेरेंसी रखें कि हर बात में जो है पारदर्शिता हो, यानी कोई चीज़ जो है वो छुपी भी नहीं हो, कोई चीज़ को हम छुपाए नहीं किसी भी स्टेक होल्डर से। तो ट्रांसपेरेंसी दूसरा नेचर बताना है, इसके नेचर यानी करेक्टरिस्टिक्स यानी फीचर्स बताना है। All actions implemented and their decision support will be available for inspection. सारे decisions, सारे जो जो भी actions हैं वो available रहे, काय के लिए available रहे? Inspection के लिए available रहे। किसके द्वारा inspection के लिए available रहे? By authorized organizations, के जो authorized organizations हैं वो जब जब चाहें, जब जब जो है इन उसका इंस्पेक्शन कर सकें, और इंस्पेक्शन में उनको जो है कोई चीज़ जो है वो गड़बड़ या घोटाले वगैरह सामने नहीं आए, या कहीं ऐसा नहीं दिखे कि यहाँ पर जो है वो स्टेक होल्डर्स का जो था वो राइट या उनकी ड्यूटी या उनके जो था वो क्या कहते हैं राइट्स को हार्म करा जा रहा हो, ऐसा नहीं दिखे। एंड प्रोवाइडर पार्टीज नेक्स्ट बता रहा है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंट हो करके जो है वो काम करना होता है, डिसीजन जो लेना है वो इंडिपेंडेंस लेना है, ऐसा नहीं है कि दूसरे ने करा या नहीं करा है, ऐसा नहीं सोचना। इंडिपेंडेंस में बता रहा है
ऑल प्रोसेसेस, डिसीजन मेकिंग एंड मैकेनिज्म, तीन बातें इन्होंने करी गई हैं, प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग एंड मैकेनिज्म यूज्ड विल बी एस्टैब्लिश, इन तीनों चीज़ों को जो है एस्टैब्लिश करें सो एज टू मिनिमाइज और अवॉइड, या तो मिनिमाइज कर लें या अवॉइड कर लें, डेट इज बेटर थिंग, अवॉइड पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को या तो अवॉइड कर दें या मिनिमाइज कर दें, कि जो है वो जो भी प्रोसेस है, डिसीजन मेकिंग है, मैकेनिज्म है, उसको जो है वो अच्छे से चला सकें, इंडिपेंडेंटली चला सकें। नेक्स्ट आ रहा है अकाउंटेबिलिटी, किसकी क्या अकाउंटेबिलिटी है, कौन किसके लिए जिम्मेदार है या जवाबदेही है, वो चीज़ बता रहा है। आइडेंटिफेबल ग्रुप्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एग्जाम्पल गवर्नेंस बोर्ड, हु टेक एक्शंस और मेक डिसीजंस आर ऑथोराइज एंड अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शन। कह रहे हैं अकाउंटेबिलिटी के लिए कि जो लोग जो है जवाबदेही होते हैं, बोल रहे हैं कि आइडेंटिफाइबल ग्रुप, वो ग्रुप जो जो कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जिनकी उनको अकाउंटेबिलिटी होती है, तो उनको आइडेंटिफाई करें, जैसे कि गवर्नेंस का बोर्ड, जो गवर्नेंस की जो बॉडी होती है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसको आइडेंटिफाई करें और उनके अकाउंटेबिलिटी और जो है वो स्पेसिफाई करते हैं। जैसे एग्जांपल लिया हुआ है, गवर्नेंस बोर्ड हु टेक एक्शन और मेक डिसीजंस आर ऑथोराइज्ड एंड अकाउंटेबल फॉर देयर डिसीजन, वो ऑथोराइज भी हैं और अकाउंटेबल भी हैं अपने एक्शंस के लिए, कि उन्होंने कब कब क्या क्या एक्शंस लिए हैं, उसके वो अकाउंटेबल भी रहें और ऑथोराइज भी रहें। नेक्स्ट आ रहा है, इसमें अकाउंटेबिलिटी जहाँ आ जाती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात आ जाती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जो है बता रहे हैं, ईच कॉन्ट्रैक्टेड पार्टी इज रिक्वायर्ड टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स स्टेक होल्डर। सारी जो कॉन्ट्रैक्टेड पार्टीज हैं, यानी जो आपस में जो पार्टीज जुड़ी हुई हैं, उनको क्या करना चाहिए, इज रिक्वायर्ड टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड इस स्टेक होल्डर, ऑर्गेनाइजेशन में और स्टेक होल्डर्स में सभी लोगों को, सारी ही पार्टीज जो कि आपस में जुड़ी हुई हैं, उनको रिस्पॉन्सिबली पार्टिसिपेट करना है और एक्ट करना है। नेक्स्ट, एक डेफिनेशन के अंदर हमने देखा था कि वर्ड आ रहा था ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ फेयरनेस, कि उसमें जो है फेयरनेस भी होनी चाहिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर। ऑल डिसीजन टेकिंग प्रोसेसेस यूज एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन, सारे जो डिसीजन लिए जाते हैं, प्रोसेस जो यूज होते हैं और उनका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, विल नॉट बी अलाउड टू क्रिएट अनफेयर एडवांटेज, कोई ऐसा नहीं हो कि उसके अंदर अनफेयर एडवांटेज, कि जैसे कि मैं डायरेक्टर हो गया, मैंने अपनी सैलरी बढ़ा करके जो था रखी हुई है, या मैं डायरेक्टर हो गया तो मैं किसी भी एम्प्लॉय को जो है वो अपने इंस्टीट्यूशन में जो है वो जोड़ लूँ, चाहे वो काम करने लायक हो या नहीं हो, या उसको जो है वो मनमानी सैलरी पे रख लूँ, या मैं ऐसी सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट रखूँ जो सप्लायर्स मेरे अपने जानने वाले हो, तो ये अनफेयर बिहेवियर, ये अनफेयर प्रैक्टिसेस को जो है वो रोकना होता है, जिससे कि और ऑर्गेनाइजेशन के राइट को हार्मफुलनेस नहीं हो। तो ये यहाँ पे नेचर और करेक्टरिस्टिक्स थी। नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो जो आ रहा है वो हमारे पास है स्कोप। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर स्कोप कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। तो स्कोप के लिए यहाँ पे बता रहे हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का स्कोप क्या है। कह रहे हैं फर्स्ट पॉइंट के अंदर, इंटरनल कंट्रोल एंड इंडिपेंडेंस ऑफ एंटिटीज ऑडिटर्स। स्कोप क्या है कि यहाँ पर जो जो स्कोप में देखेंगे कि जो जो पार्टीज जुड़ी हुई हैं, वो पार्टीज यहाँ पे जो है वो किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल हैं, किस तरीके से वो बनी हुई हैं, वो बताना चाह रहा है कि इसका कार्य क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, ये बताना चाह रहा है। तो इंटरनल कंट्रोल के बारे में बता रहा है कि जो इंटरनल कंट्रोल है एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ एंटिटीज ऑडिटर्स, के जो इंटरनल कंट्रोल है वो आपस में अपना जो उनको मालूम है कि वो जिस दिन एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो वो एक्टिविटीज को फुल्ली कंट्रोल करते हुए परफॉर्म करें,
ना कि किसी के दबाव में आकर के परफॉर्म करें। नेक्स्ट यहाँ पे बता रहे हैं रिव्यू ऑफ कंपनसेशन अरेंजमेंट फॉर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स। जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया कि जो सीनियर अथॉरिटीज होती हैं, तो सीनियर अथॉरिटीज की जो कंपनसेशन होता है, कंपनसेशन मींस हियर कंपनसेशन मींस रेमुनरेशन, जो उनको रेमुनरेशन जो मिलने वाला है, तो सीईओ का रेमुनरेशन, दूसरी सीनियर अथॉरिटीज, डायरेक्टर्स का, मैनेजिंग डायरेक्टर्स का या सेक्रेटरी का, इनके रेमुनरेशंस को रिव्यू करा जाए। रिव्यू करने का मतलब ये चेक करा जाए वेदर दे आर नॉट गेटिंग एनी अनयूजुअल कंपनसेशन। क्या क्या फालतू में ये पैसा तो नहीं ले रहे हैं या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स तो नहीं ले रहे हैं कॉरपोरेशन से, ऑर्गेनाइजेशन से। कभी कभी क्या होता है, ये लोग अपने के, हम सीनियर लोग हैं, हम लोग इसके नाम का ही जो है वो एक्स्ट्रा पैसा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से ले रहे होते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ले रहे होते हैं। तो उनका क्या करा जाए, टाइम टू टाइम रिव्यू करा जाए। नेक्स्ट पॉइंट है द वे इन विच इंडिविजुअल्स आर नॉमिनेटेड फॉर द पोजिशन ऑफ द बोर्ड। जिस तरीके से इंडिविजुअल्स को नॉमिनेट करा जाता है, उनकी जो पोजीशन जो उनकी दी जाती है बोर्ड में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, उसको भी देखा जाए कि क्या क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में पोजीशन दी गई है, तो वो नॉमिनेशन के अकॉर्डिंग पोजीशन आ रही हैं या नहीं आ रही है, ये चीज देखी जाए। नेक्स्ट बता रहे हैं द रिसोर्सेज मेड अवेलेबल टू डायरेक्टर्स इन कैरिंग आउट देयर ड्यूटीज। क्या क्या रिसोर्सेज दी गई हैं डायरेक्टर्स को, जो कि जिससे कि वो अपनी ड्यूटीज को जो है कैरी आउट कर रहे हैं, जैसे कि उनको जो है वो फैसिलिटीज क्या प्रोवाइड कराई गई हैं, उनको बेनिफिट्स क्या प्रोवाइड कराए गए हैं, उनको प्रॉफिट शेयरिंग में जो है पार्टनरशिप जो है वो क्या दी गई है, ये चीजें दी जाती देखी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट बताना है ओवरसाइट एंड मैनेजमेंट रिस्क। कह रहे हैं ओवरसाइट एंड मैनेजमेंट रिस्क, के जो भी मैनेजमेंट रिस्क है उस मैनेजमेंट रिस्क को पहले से ही जो है वो देख लें, उस रिस्क को पहले से ही पहचान लें, और उस रिस्क को पहचानने के बाद उसको दूर करने की एक्टिविटीज को फॉलो अप करा जाए। लास्ट पॉइंट यहाँ पे इसमें स्कोप के अंदर बता रहे हैं पार्टिसिपेशन ऑफ कंपनीज, सॉरी प्रिपरेशन ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंपनीज का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनको प्रिपेयर करने में जो है वो कोई सारी ट्रांसपेरेंसी रखी जाए, फेयरनेस रखी जाए, जो ऑडिटर्स हैं उन ऑडिटर्स से जो है वो उसमें ऑडिट कराया जाए, ऐसा नहीं हो कि इस चीज़ों का जो था वो जो है क्या करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट दिखा देते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही है, ये चीज़ें दिखा दी जाती हैं, तो ऐसा ना हो। और साथ ही साथ जो है इसमें नोट्स वगैरह जो है वो बता दिए जाए, नोट्स तो अकाउंट्स जो है वो फुट नोट्स बोले जाते हैं, वो बता दिए जाए कि कहाँ कहाँ से जो है वो प्रॉफिट्स वगैरह के अरेंजमेंट करे गए हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसके अंदर हम देखेंगे वो है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा टाइम शॉर्ट हो रहा है यहाँ पर, तो ऑब्जेक्टिव नहीं नीड्स देख लेना है, नेक्स्ट क्लास में जो है ऑब्जेक्टिव देखेंगे। नीड्स यहाँ पे देख ले रहे हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की नीड्स क्या है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की नीड्स बता रहे हैं इम्प्रूव कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस। क्या नीड है, इससे जो है वो कॉर्पोरेट की परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है। कॉर्पोरेट की परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी, एनहेंस इन्वेस्टर ट्रस्ट, इन्वेस्टर का जो ट्रस्ट वर्डिनेस है, इन्वेस्टर का ट्रस्ट वर्डिनेस जो है बढ़ेगा कि हाँ कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो इथिकल बिहेवियर के साथ में जो है वो काम कर रहे हैं, अनइथिकल प्रैक्टिसेस नहीं हो रही हैं, फेयरनेस जो है वो फॉलो करी जा रही है, ट्रांसपेरेंसी फॉलो करी जा रही है, तो उनसे एनहेंस होगा उसकी ट्रस्ट, इन एनहेंस होगा, ज्यादा भरोसा वो जो है रखे पाएंगे अपने पास। बेटर एसेस टू ग्लोबल मार्केट, अगर आपकी कॉरपोरेशन या आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा तो आप ग्लोबल मार्केट में भी पेनिट्रेट कर जाएंगे, जैसे कि टाटा। टाटा जो है वो क्या हुआ, टाटा जो था वो ग्लोबल मार्केट के अंदर उसका अच्छा स्टेक है, उसने अभी पीछे जैगुआर को भी जो है वो टेक ओवर करा था। नेक्स्ट इसके अंदर कॉम्पैक्शन ऑफ कंपनी
करप्शन करप्शन जो है वो खत्म कर सकेंगे, करप्शन जो है वो कुछ नहीं रखा जा सकेगा, करप्शन के लिए कोई जगह नहीं होगी इसके अंदर। नेक्स्ट इसमें आ रहा है एनहेंसिंग एंटरप्राइज वैल्यूएशन, एंटरप्राइज का वैल्यूएशन यानी कि गुडविल इंक्रीज हो जाएगी, गुडविल एनहेंस हो जाएगी। गुडविल की अगर ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो गुडविल का यहाँ पर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में गुडविल भी ज्यादा एनहेंस कर जाएगी। रिड्यूस रिस्क ऑफ कॉर्पोरेट क्राइसिस एंड स्कैंडल, साथ ही साथ क्या होगा, कॉर्पोरेट क्राइसिस का रिस्क कम हो जाएगा, स्कैंडल्स घोटाले खत्म हो जाएंगे अगर हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो। कोई भी स्कैंडल नहीं होगा यानी घोटाला नहीं होगा, कोई भी क्राइसिस कॉर्पोरेट क्राइसिस नहीं आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स के प्रति अकाउंटेबिलिटी जो है वो आ जाएगी। स्टेक होल्डर्स के प्रति अकाउंटेबिलिटी आने का मतलब क्या है कि स्टेक होल्डर्स का जो है वो जो ड्यूटीज हैं, जो उनके राइट्स हैं, जो उनके साथ एक्टिविटीज हैं वो पूरे तरीके से परफॉर्म कराई जाएंगी। लास्ट पॉइंट है यहाँ पे इजी फाइनेंस फॉर इंस्टीट्यूशन, इजीली आपके जो है वो फाइनेंस भी जो है वो मिल सकेगा। अगर आपकी गुडविल अच्छी है तो आपको फाइनेंस देने में भी कोई फाइनेंस मिलने में भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। सो स्टूडेंट्स आई एम स्टार्टिंग स्टॉपिंग हियर एंड यू have to ask anything if you want to ask.